जी बाद में। जी है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज मैं आया हूँ हॉक्स बे पॉइंट पर और हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान आए हैं गांव से, शादी पे गुजरांवाला मंडियाला से तशरीफ़ लाए हैं हाफिज़ अताउर्रहमान साहब, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम सलाम। हाफिज़ साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र करें, अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ साहब कैसा लगा आज आपको कराची का ये समंदर देख के? तकरीबन 15-16 साल के जायद अरसे से तमन्नाएं आरजुएं थी कराची देखें और ये पॉइंट्स देखें, कराची के मदारिस देखें, अहले कराची को माशाल्लाह ने ख्वाहिश पूरी की और जो सोचा था उससे बढ़ के यहाँ मोहब्बतें प्यार खलूस मिला। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाफिज साहब मैं जी जी आपकी वसादत से ये पॉइंट देखने को मौका मिला है। जी जी अल्लाह ताला आपको अजर अजीम अता फरमाए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप हमारे मेहमान खास हैं। बहुत खुश रहो जी। ये थे हमारे मेहमान हाफिज अताउर्रहमान साहब, और जो मंडियाला से तशरीफ़ लाए तो आलिम भी हैं, फाजिल भी हैं माशाल्लाह से। इन्होंने सऊदी अरब से कोर्स किया आलिम का, फाजिल का। अल्लाह पाक इनको जजाय खैर दे। और यहाँ ये देखें बच्चे जो हैं बिल्कुल समुंदर के किनारे, जो इंतहाई ख़तरा, अगर ज़रा सा इनका पाँव स्लिप हो गया तो समझो ये गए। लेकिन इनका ये पेशा है मछलियाँ पकड़ना। ये देख बिल्कुल छोटी छोटी मछलियाँ आई हैं यहाँ, ये देखें बच्चे खेल रहे हैं। और यहाँ आज कश्तियाँ नज़र आ रही हैं आपको, मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की कश्तियाँ लोग यानी कि मछलियों का शिकार करने के लिए आए हैं। और हाफिज़ अता भाई अपनी वीडियो सेल्फियाँ ले रहे हैं। और यह खान साहब भी आए, बाजौर से आए, मेहमान हैं कराची शहर को समंदर देखने के लिए और कराची देखने के लिए। माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको जजाय खैर दे। तो चलते हैं अगली वीडियो पे। वहाँ अमरूद वाला है लेकिन अभी अमरूद खाने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि पेड़ पहले से ही सही नहीं है। सूरज की रोशनी काफ़ी ज़्यादा है, सर्दी का मौसम है तो आज से महकमे मौसमियात वालों ने कहा कि शदीद सर्दी कराची के अंदर पड़ेगी 15 जनवरी तक। अल्लाह खैर करे। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत सारी जगहों का विज़िट करना है। अताउर्रहमान भाई मेरे साथ हैं, चलते हैं आगे की तरफ। हाफिज अता भाई आगे जा रहे हैं तो हम भी आगे चलेंगे क्योंकि अगला पॉइंट भी हम देखना चाहते हैं, अगला पॉइंट कैसा है। काफ़ी खूबसूरत जगह, बहुत ही प्यारी। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इस बारे में, हॉक्स बे का पॉइंट, जब गुलाब तूफान आया था और मेरे साथ रफ़ी भी मौजूद था, मेरा कज़न, और अटा भाई भी मेरे कज़न है माशाल्लाह से। सामने माहिगीर अपना रोजगार मछली का शिकार कर रहे हैं। सुबह सुबह ये लोग अपने शिकार पे आ जाते हैं। और जनाब माहिगीर आखिर मछलियों के शिकार में कामयाब रहे, आइए चलते चल के देखते हैं इन्होंने क्या क्या शिकार किया। तो ये अल्लाह का समुंदर है, अल्लाह की मखलूक है और मछली जो है वो सर्दियों में बहुत शौक से खाई जाती है। ये देखते हैं माशाल्लाह से, ये अताउर्रहमान भाई, अताउर्रहमान भाई मेरे पास हैं। और ये लोग यहाँ पे केकड़ा,
केकड़े का शिकार करके लाएंगे। देखें अभी तक ये देखें केकड़ा, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। केकड़े का जो सूप है इसके बारे में कहा जाता है कि जो दमे के मरीज लोग हैं जिनको सांस की बीमारी है, अगर सर्दियों में या गर्मियों में किसी भी मौसम में अगर केकड़े का सूप पी लेते हैं तो यकीनन उनको लिए बहुत आरामदेह, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मुफीद है जी। प्रोग्राम करने में बहुत मज़ा आता है। अच्छा भाई ये किस तरह किलो जाते हैं? 130 रुपये किलो है। 130 रुपये किलो ये केकड़ा बिकता है, बिक जाता है ये सारा? सारा सारा सही माशाल्लाह। 130 रुपये किलो केकड़ा है ये देखें, अभी तक ये जिंदा है इंशाल्लाह। बल्कि मैं खुद सब्सक्राइब कर रहा था। ये सारे मच्छर हैं और यहाँ पे जो है केकड़े का शिकार किया गया है। 130 रुपये किलो बिकता है ऐसा ही है भाई? 130 रुपये किलो ही है जी, 130 रुपये किलो है। और ये बोरे में देखिए, ये तो चप्पलें हैं। तो दोस्तों आपने देखा केकड़े का शिकार किया उन्होंने, जो 130 रुपये किलो बिकता है, यानी कि 130 रुपये किलो ये लोग बेचते हैं, माहिर हैं जी। इस वक्त हम लोग जा रहे हैं बेनोरिया टाउन। अताउर रहमान भाई जो हैं वो माशाल्लाह से, मैंने आपको बताया, आलिम भी हैं, फाजिल भी हैं, हाफिज़ भी हैं और बहुत सारे कोर्स किए हैं। तो अब हम जा रहे हैं बेनोरिया, जामिया बेनोरिया, कराची की सबसे बड़ी दरसगाह है, दूसरे नंबर पे। पहला दारुल उलूम कराची है और दूसरे पे जामिया बेनोरिया है।